बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ के अल्लाह ताला के फजल और करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जिन बहन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल गुगलू वीर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो कुछ मेरी जो है कि बच्चे मेरे कह रहे हैं मम्मा हमें पराठे बना के दो, सर्दी का मौसम काफ़ी बन गया है, हम किचन में ही हैं, चूल्हा वगैरह भी बाहर हमने नहीं निकाला, इसलिए बाहर सर्दी है, बच्चों को सर्दी लग जाएगी। हम मूलियों वाले मूली प्याज ये सारी चीज़ें डाल के मैं इनको पराठे बना के देती हूँ, देसी घी वाले। मैंने क्या पहले ये मूलियां मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। ये बॉल भी मैंने ले लिया और मूली का अब मैं ये मूलियां कद्दूकस कर देती हूँ। ये मूली के मैंने छोटे छोटे टुकड़े बनाए हुए हैं। ये मूली का मैंने मूली कश कर ली है, अब इनका पानी निकालती हूँ हाथों की मदद से। पानी काफी बीमारियों का ना इलाज है। तो पानी मैंने निकाल दिया, पानी इधर देसी में डाल देती हूँ और आप ये मूली को इधर रखती हूँ और ये सब्ज मिर्च है मशीन में डाली हुई, ये पहले पीस देती हूँ। नहीं बेटा मैं करती हूँ ना, देर हो जाएगी। ये मिर्चें मैंने निकाल ली, काटे हुए प्याज हैं, अब ये डालती हूँ मशीन में। ये सब्ज मिर्च, ये सब्ज मिर्च और प्याज मैंने बारीक कर लिए हैं ये मशीन में। ये चम्मच की मदद से जो अंदर वगैरह है वो निकाल लूंगी। अब ये मैंने सब्ज धनिया काट के रखा हुआ पानी में भिगो के, ये पानी इस तरह निचोड़ के डालती हूँ। धनिया भी डाल दिया। अब ये मेरे पास है नमक, ये नमक डालती हूँ। नमक भी मैंने डाल दिया है और अब डालती हूँ ये काली मिर्च। ये काली मिर्च भी मैंने डाल दी है, अब डालती हूँ ये सफेद जीरा। और अब डालती हूँ ये धनिया के दाने।
ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, मिक्स भी कर लिए हैं। जो मसाले वगैरह मैंने डालने थे सारे डाल दिए हैं। अब ये देसी घी बना के रखा हुआ है, ये डालती हूँ। ये मक्खन घी भी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। ये सारी चीज़ें मेरी मिक्स हो गई हैं। अब मैं पराठे बनाने शुरू करती हूँ। ये पेस्ट मेरा तैयार हो गया है। अब मैंने आटा पहले गूंद के रखा हुआ है, अब बनाती हूँ इसके पेड़े। अब मैं करती हूँ चूल्हा ऑन। ये चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब रखती हूँ ऊपर तवा, तवे को लगाती हूँ। ये तवे को लगाती हूँ मैं घी। ये तवे को घी मैंने लगा दिया। छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ, फिर इनमें ये मसाला डाल के फिर पकाऊंगी। अब ये दोनों पेड़े इकट्ठे करके मैंने मसाला उसमें डाल लिया है। ये जो मूली का पेस्ट और प्याज का बनाया हुआ, ये एक पराठा मैंने बना लिया है। अब दूसरा बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं लगाती हूँ इसको घी ऊपर से। ये एक पराठा मेरा पक गया है, इसे मैं रखती हूँ इधर। ये पराठे मैंने बना लिए हैं। अब मेहमा बेटी और कबीर बेटी को बहुत ज्यादा इनको जल्दी है कि हमें दे दे। अब मैं मक्खन लगा के ऊपर फिर देती हूँ इनको। जसमीर बेटे को मैंने मक्खन लगा दिया है। चलो खाओ बेटा, पीछे पीछे अब देती हूँ दूसरे बच्चों को लगा के। ये चम्मच से उतर ही नहीं रहा। और अब मेहमान भी के लिए पानी रखा हुआ है और दूसरे बच्चों के लिए ये लस्सी भी है साथ में। मैं खिलाती हूँ इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीर बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ी है? ये लो मामा बेटी, मजे के मक्खन भी अच्छा लग रहा है। कभी से
ये गांव में इसी तरह का माहौल होता है और इसी तरह खाना वगैरह खाया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।